जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी। तो गाइज, मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू आप यूजी और पीजी के कोर्सेस प्राइवेट कर सकते हैं अपने घर बैठे। ठीक है गाइज, तो जो इसके फॉर्म निकल चुके हैं, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसका जो है एडमिशन का खर्चा कितने वाला है, मतलब आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और कि एग्ज़ाम कब होगी और आपका सत्र लेट हुआ है गाइज अभी तो क्या आपकी एग्ज़ाम डेट कितने महीने में आने वाली है, तो पूर्ण चर्चा करेंगे गाइज इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएड, सभी कोर्सेज जो है उसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो गाइस, जो विद्यार्थियों ने आरडीवीवी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में फॉर्म नहीं डाला होगा, जिनने फॉर्म जो चूक चुके होंगे, जैसे कि जिन्होंने भरा नहीं होगा, तो वह जो है भोज मुक्त विश्वविद्यालय मतलब भोज यूनिवर्सिटी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको लेके चलूँगा कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट कब है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग जो है भोज मुक्त विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पर है अभी, और यहाँ पर आपको कहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ से आपको कैसे फॉर्म को भरना है उसकी जानकारी हम लोग देंगे। देखिए, अप्लाई बब यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोग, इसके हम ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है गाइस, BA BSc BCom फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है उनका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट कब है, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अभी तक जो है इन्होंने फॉर्म जो है डेट तो दे रखा था 29 सितंबर, ठीक है, इस पर इन्होंने फॉर्म फी जो है स्टार्ट नहीं किया था और लिंक आज ही एक्टिव हुई है। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट आपके लिए लाते हैं, अभी ही जो है लिंक एक्टिव हुई है, अभी मैंने जस्ट फॉर्म डाला है और मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है ऐसे ही अपना फॉर्म को फिल करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप से ही अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट्स भी हमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसको इस जो है एक माउस का सर्कल दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, बीए बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, योग्यता का विवरण, सेशन देखिए जुलाई 2020 अभी वाला है आपका, जो आप लोग प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपने एमपी बोर्ड से या बारहवीं पास किया या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया है। तो गाइस, बहुत से विद्यार्थी एमपी बोर्ड से करते हैं, तो ऐसे आपको एमपी बोर्ड यहाँ पर चूज करना है। देन उसके बाद क्या चूज करना है, तो यहाँ पर आपका रोल नंबर चूज करना है और आपने कौन से ईयर में पास आउट किया है वो चूज करना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, तो आपको एग्जाम पैटर्न क्या करना है, ट्वेल्थ क्लास को यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर आगे आपको क्या, आप आर्ट से बिलोंग करते थे, साइंस से या बायोलॉजी से, जिस भी जो है सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वह आपको चूज करना है, और उसका मैक्सिमम मार्क और कितने आपने आउट ऑफ लाए है वह दोनों चूज करना है। तो यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर और कोर्स खुल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, कॉलेज और पाठ्यक्रम का विवरण, मतलब आप लोग जो है बीएससी में लेना चाहते हैं, बीए में लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, एडमिशन टाइप में अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको चूज करना है आपको कहाँ सेंटर आपका रखना है, रीवा में, ग्वालियर में, इंदौर में, सतना में, जहाँ आपको एग्जाम सेंटर रखना है वो चूज करना है। देन उसके बाद ये स्टडी सेंटर नेम, वो सेंटर का नेम आ जाए, कोर्स नेम जो आप लोग कोर्स करना चाहते हैं, आपके जो ट्वेल्थ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पर कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। जो आपको बायो होगा तो आपको जो है गाइस बायो के ही सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, तो आपका बीएससी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं व्यक्तिगत विवरण, मतलब अपना यहाँ पर फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपका लास्ट नेम और यहाँ पर आपका क्या नाम, हिंदी में आपको नेम खुद ब खुद जो है टाइप होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जेंडर डालना है, आपको जो आपको स्टेट डालना है, उसके बाद आपको फादर नेम, आपका फादर नहीं होंगे तो आपका जो आपकी शादी हो चुकी होगी, तो जो गर्ल्स के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनको अपना हस्बैंड का नेम डालना है, वहाँ आप उनका फादर का नेम नहीं डालना है। मदर नेम डालना है आपको, और आप जो है एससी एसटी जो है वह डालना है यहाँ पर। नेशनलिज्म में आपको हिंदू अपना इंडियन डालना है, और फिर क्या डालना है, हैंडीकैप्ड में आप जो हैंडीकैप्ड होंगे तो हैंडीकैप्ड डालना है। रीजन आपको डालना है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जो डालना है। एरिया आपको जाना है, रूरल आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से, तो जो है वह आपको चूज़ करना है। आप उसके बाद क्या चूज़ करना है, आप एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है वह चूज़ करना है। देन उसके बाद आपको अपना जो है होम एड्रेस देना है, जहाँ आप रहते हैं, आपका वार्ड नंबर क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका जिला क्या है, और आपका पिन कोड ये है। और उसके बाद आपको परमानेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसा आपने ऊपर लिखा है वैसा ही जो है नीचे यहाँ पर लिख के आ जाएगा।
उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना है, जीमेल एड्रेस देना है और आईडी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फुलफिल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब पूरी जानकारी दे रहा हूँ आपको, तो अंत तक बने रहे। उसके बाद आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर बैंक होल्डर आईएफएससी कोड देना है और इस पर सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो आप लोग बीए बीएससी करना चाहते हैं उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा, तो उसको अमाउंट को आपको ऑनलाइन ही पे करना है और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और फोटो को आपको यहाँ पर फोटो गेट पर क्लिक करना है। आपको मार्कशीट डालना है, आपका जो है मार्कशीट के बाद माइग्रेशन होगा वो डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद क्या डालना है गाइस, अंकसूची की एक प्रति यहाँ पर आपको अपलोड करना है जो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो और फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ भी जो भी जिस भी बॉक्स से प्रॉब्लम होगी आपको, जो फॉर्म आपसे फिल नहीं हो पाएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। उसके बाद क्या है, सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और देन उसके बाद उस एप्लीकेशन नंबर को आपको रखना है, उससे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, यह थी इस फॉर्म की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको इस फॉर्म की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। आपको फोटो जो है आपके मोबाइल से ही और आपके लेपी से ही आपको बनाना होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो यह था आपका बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट का फॉर्म। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर एमएससी वाले स्टूडेंट का फॉर्म, जो स्टूडेंट जुलाई 2020 यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए गाइस, यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म है आपका एमकॉम वाले स्टूडेंट एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है गाइस, तो वह जो है अपना यह फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और जल्दी जल्दी आपको फॉर्म को फिल करना है गाइस, ज़्यादा लेट नहीं करना है। बीएड वाले स्टूडेंट जो है बीएड करना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं, डीएड भी इसके थ्रू होता है तो वह भी आप लोग कर सकते हैं गाइस। तो यह थी इसकी संपूर्ण जानकारी, आपको कैसी लगी बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताएं और कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जैसे प्रतिदिन जो भी घटनाक्रम घटता है, जो भी जो है लेटेस्ट न्यूज़ आती है हमारे पास, तो वह सबसे पहले हम लोग आपको लिए एक नोटिफिकेशन बनाते हैं। आशा करता हूँ हमारे सभी जो वीडियो और हमारे जो पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आता होगा, तो आप लोग इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए गाइस समाधान स्टडी हर समय तत्पर रहेगा। चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।